नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और सभी का स्वागत है आपके प्रेजेंट टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों, तो बात करने जा रहे हैं राइस मिल का बिजनेस शुरू कर कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे ये बिजनेस होगा आगे बढ़ने से पहले तो बता दो, अगर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस मार्केटिंग एल्टी को जान चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस आइडिया की नहीं बल्कि एक रियलिटी की बात करें, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खेती से जुड़े बिजनेस इतने हैं कि अगर हम करें तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन बिजनेस में नुकसान होने का कोई खतरा नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट ही होता है और ये कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सकते हैं। ऐसे बिजनेस को आप भी कर सकते हैं, आप ग्रामीण हो या शहरी, हर कोई शुरू कर सकता है। बस आपके अंदर बिजनेस करने का जुनून होना चाहिए। ऐसा ही खेती से जुड़ा बिजनेस है राइस मिल का बिजनेस, जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। मिनी राइस मिल से आप अपने गांव से ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये एक सदाबहार बिजनेस है, बहुत कम ही लोग इसका बिजनेस करते हैं, पर जो करते हैं वो अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। आप भी इसका बिजनेस शुरू कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कैसे होगा ये बिजनेस? दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी प्रकार की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ना ही किसी एक्सपीरियंस की। आप इसे अपने गाँव अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इसे आप 50,000 से 1 लाख में शुरू कर सकते हैं। इससे आप अपने हिसाब से मशीन ले सकते हैं, आप मिनी राइस मशीन से प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। इससे आप खुद ऑपरेट कर सकते हैं, या आप नहीं करना चाहते हैं तो एक हेल्पर रख सकते हैं। ये मशीन 1 घंटे में हर प्रकार के राइस का 100 किलो बना सकते हैं। मिनी राइस का प्रोडक्शन घर से ही भी कर सकते हैं। इससे 1 किलो के पीछे 1 रुपये का मुनाफा होता है। ये मिनी राइस मिल मशीन दिन में 500 से 600 किलो प्रोडक्शन करती है। इससे आप हर दिन 500 रुपये कमा सकते हैं। इस मशीन की खासियत ये है कि आप इसे इधर से उधर भी ले जा सकते हैं, यानी अगर कोई धान निकालना चाहता है तो आप मशीन उसके पास लेकर जा सकते हैं और राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप अपना 1 रुपये मुनाफा प्रति किलो के हिसाब से ले सकते हैं। घर से बिजली का हर दिन का खर्च 50 रुपये तक आ सकता है। इससे आप ब्राउन राइस और पॉलिश राइस निकाल सकते हैं। इस मशीन को बस 3 घंटे चलाकर 1 घंटे बंद करना होता है ताकि इसकी लाइफ बनी रहे। आप ये रॉ मटेरियल धान मंडियों से भी ले सकते हैं और राइस निकाल कर सेल कर सकते हैं। अपनी लोकल मार्केट में यह आराम से बिक जाता है। इस मशीन काम होता है सिर्फ चावल के ऊपर से छिलका को निकालना और राइस साफ़ करना। इस मशीन के विक्रेता का कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस पर कांटेक्ट कर मशीन ले सकते हैं और पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों ये बातें, कस्टमरों से प्यार से बात करें, मशीन को समय समय पर चेक करते रहें, इस काम में उधारी बिल्कुल भी ना करें, किसानों से जानकारी बना करके हेल्पर को सैलरी टाइम पे दें। बाकी सब आप जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, उस इसका कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो उसके अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।